हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर इज फोर क्लास थर्ड, सब्जेक्ट वैल्यू। आज का हमारा लेसन है सिक्स। लेसन में हम एक वुड कटर की स्टोरी रीड करेंगे। वुड कटर यानी कि जो लकड़ी काटने वाला होता है वो। स्टोरी का टाइटल है सत्यमेव जयते। सत्यम एव जयते यानी कि सत्य की ही जीत होती है। लेट्स रीड द स्टोरी। वन डे अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। एक दिन जो वुड कटर था, ये लकड़ी काटने वाला, इसको हम वुड कटर बोलेंगे, वो लकड़ियां काट रहा था कहाँ पे? ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। रिवर की जो साइड में ये किनारा होता है उसको बैंक बोला जाता है। सडनली हिज एक्स फेल इनटू द वॉटर। ये जो टूल होता है उसको हम बोलेंगे एक्स। वो क्या हुआ, अचानक से वो जो उसकी एक्स थी वो पानी में गिर गई। व्हाट शुड ही डू नाउ, अब वो क्या करेगा? ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, उसको तो तैरना नहीं आता। सो द वुड कटर प्रेड टू द रिवर गॉड। वो क्या बोला था एकदम, तो वो उसने क्या किया, रिवर में जो उसको लगा कि रिवर में भी भगवान होंगे, तो चलो वो रिवर के भगवान को प्रे करने लगा। द रिवर गॉड हर्ड हिज प्रेयर एंड अपीयर्ड बिफोर हिम। तो सचमुच ही वो जो रिवर के गॉड थे उसने उसकी प्रेयर सुन ली और उसके सामने वो आके खड़े हो गए। व्हाट इज द मैटर माय गुड मैन, ही आस्क, उन्होंने पूछा कि ओ भले आदमी क्या बात है। हेल्प मी, सेड द वुड कटर। वुड कटर ने बोला मुझे हेल्प करो। आई एम पुअर एंड आई हैव लॉस्ट माय एक्स, मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरी जो एक्स है वो खो गई है। इफ आई डोंट गेट माय एक्स बैक आई विल स्टार्व टू डेथ, अगर मैं मेरी वो जो एक्स है वो वापस नहीं पाऊंगा तो क्या होगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा। खाने के लिए फिर कुछ नहीं होगा, उसका पूरा जो जीवन का गुजारा है वो लकड़ी काटने पर ही चलता है। वेरी वेल, आंसर्ड द गॉड, यू शैल हैव योर एक्स, हाँ तुम्हें तुम्हारी जो एक्स है वो मिल जाएगी। द गॉड डाइव्ड इनटू द रिवर एंड ब्रॉट आउट एन एक्स मेड ऑफ गॉड। तो रिवर के गॉड थे, उन्होंने पानी में डुबकी लगाई। डाइव्ड यानी पानी में डुबकी लगाना, और क्या लाए, एन ऑक्स एक्स मेड ऑफ गोल्ड, एक सोने की एक्स लेके आए। इज दिस योर एक्स माय गुड मैन, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, ओ भले आदमी क्या ये तुम्हारी एक्स है? तो उसकी तो वो एक्स गोल्ड की थी नहीं। नो, सेड द वुड कटर, दैट इज नॉट माय एक्स। तो वुड कटर ने बोला कि नहीं, ये वाली मेरी एक्स नहीं है। देखो वो कितना ऑनेस्ट था, उसको कोई भी चीज की लालच नहीं थी। उसकी तो एक्स थी वो लोहे की थी, आयरन की थी, तो गोल्डन एक्स मिल रही थी, फिर भी उसने नहीं ली कि नहीं ये वाली मेरी है ही नहीं। देन द गॉड ब्रॉट अप अ सिल्वर एक्स, और उसके बाद क्या किया गॉड ने, वो चांदी की एक्स लेके आए। द वुड कटर अगेन सेड इट वॉज नॉट हिज एक्स, उसने फिर से बोला कि नहीं ये वाली भी चांदी की एक्स मेरी नहीं है। द थर्ड टाइम द गॉड ब्रॉट आउट द एक्स विच द वुड कटर हैड लॉस्ट, और थर्ड टाइम फिर से क्या किया, जो उसकी ओरिजिनल लोहे की एक्स थी वो गॉड लेके आए। द वुड कटर वॉज वेरी हैप्पी, अब तो वो खुश हो गया। दिस इज माई एक्स, ही सेड, कि उसने बोला हाँ ये वाली मेरी एक्स है। द गॉड वॉज प्लीज्ड विद द वुड कटर्स ऑनेस्टी, जो गॉड थे वो उसकी प्रामाणिकता से बहुत प्रसन्न हुए। एज अ रिवॉर्ड He gave both the gold axe and the silver axe to him. तो उसको उसके उसके honesty के बदले में उसने God ने दोनों gold axe और silver axe दोनों ही उसको दे दी। Speak the truth for truth always wins. सत्य बोलना और सत्य बोलने वाले की ही जीत होती है। तो यहाँ पे हमने देखी honesty of woodcutter. कि जो गोल्ड और सिल्वर की एक्स थी वो कितनी कीमती होती है, अगर वो ले लेता तो उसको जिंदगी भर काम ही नहीं करना पड़ता है,
पूरी जो गोल्डन एग्स है वो बेच देता है तो कितने सारे रुपए मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी उसने क्या बोला कि जो मुझे मेरी लोहे की है वो ही एग्स चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी लेट्स रीड द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग ऑन बैंक्स ऑफ द रिवर। क्या कर रहा था वो रिवर के बैंक पर। द वुड कटर वॉज कटिंग वुड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। वो रिवर के बैंक पर वुड कटिंग कर रहा था। व्हाट हैपन टू हिज एक्स। क्या हुआ एक्स का। हिज एक्स फेल इनटू द रिवर। व्हाई डिड द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक एन गोल्डन एक्स। उसने गोल्डन एक्स लेने से क्यों मना कर दिया। द वुड कटर वॉज द ऑनेस्ट पर्सन। वो एक प्रामाणिक पर्सन था। सो ही रिफ्यूज टू टेक द गोल्डन एक्स एज दैट एक्स वॉज नॉट ऑन्ड बाय हिम। क्योंकि वो उसकी थी ही नहीं इसलिए उसने वो गोल्डन एक्स नहीं ली। हाउ डिड द गॉड रिवॉर्ड द वुड कटर फॉर हिज ऑनेस्टी। तो उसकी प्रामाणिकता को रिवॉर्ड करने के लिए अच्छा बदला देने के लिए गॉड ने क्या किया। गेव बोथ द गोल्ड एक्स एंड सिल्वर एक्स टू हिम एज ए रिवॉर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। गोल्डन और सिल्वर दोनों एक्स उसको दे दी। वाई शुड वी ऑलवेज ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ। वी शुड ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ बिकॉज ट्रूथ ऑलवेज विंस। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। यहाँ पे दो वैल्यू सीख लिए हमने। एक तो ऑनेस्टी का भी सीखा और दूसरा ट्रूथ का भी। बी आंसर यस इफ यू शुड एंड आंसर नो इफ यू शुड नॉट। जो हमें करना चाहिए उसके सामने हमें यस लिखना है और जो नहीं करना चाहिए वो स्टेटमेंट के सामने नो। इट इज नॉट राइट टू ट्रिक अदर्स। ट्रिक यानी कि किसी के साथ छेड़खानी करना या ट्रिक किसी के साथ छल करना। तो हमें किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। तो यस वी शुड टेल लाइज टू एस्केप पनिशमेंट। हमें पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोलना चाहिए। नो वी शुड नॉट टेल लाइज टू एस्केप पनिशमेंट। इफ वी ऑलवेज टेल द ट्रूथ पीपल ट्रस्ट अस। अगर हम हमेशा सच बोलेंगे तो जो लोग हैं या हमारा फैमिली मेंबर या रिलेटिव्स हैं वो हम पर ट्रस्ट करेंगे। स्टेटमेंट इज राइट यस। इफ वी डू नॉट नो एन आंसर इन अ टेस्ट वी कैन चीट। अगर हमें टेस्ट में आंसर नहीं आ रहा है तो हमें चीटिंग करनी चाहिए। नो वर्ड्स दैट आर नॉट ट्रू आर लाइज। जो शब्द जो वर्ड्स सही नहीं है वो झूठ है। तो यस जो सही नहीं है वो क्या है झूठ। वी शुड टेक समबडीज बिलोंगिंग विदाउट आस्किंग देम। किसी की भी कोई भी चीज हमें उनको बिना पूछे ले लेनी चाहिए। सो स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्या आएगा नो। अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। पता है हमारे राष्ट्रपिता कौन है। He gave us the message of peace. उन्होंने हमें शांति का संदेश दिया। Above all, he taught us to always speak the truth. वो हमेशा हमें क्या सिखाते आए हैं? सत्य बोलना। Can you guess his name? देखो M, T, G और idea हुआ है। महात्मा गांधी। हमारे गांधी बापू मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। Read the story of his childhood to know how he always spoke the truth. उन्होंने ऐसे कभी उसके सामने incident आए कि उन्होंने सत्य बोलने की भी उनको punishment मिली थी। तो ऐसे कहीं भी lesson होते हैं कोई कोई book में। वैसे उन्होंने लिखी थी उनकी autobiography of my experiments with truth. सत्य के प्रयोग। तो उनकी जो ये आत्मकथा है उसमें सब इंसिडेंट्स दिए हुए हैं कि जब जब उन्होंने सच बोला चाहे वो पनिशमेंट भले ही मिले लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तो विद दिस स्टोरी द वैल्यू ट्रूथ विल अल्टीमेटली विन। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। ये वैल्यू हमने सीखी और साथ साथ ऑनेस्टी भी सीखा। थैंक यू।